हेलो स्टूडेंट्स, आइए चलते हैं टैली प्राइम के नेक्स्ट पार्ट में। सीखते हैं हाउ टू कैलकुलेट जीएसटी ऑन गुड्स, कैसे कैलकुलेट किया जाता है जीएसटी। अगर हमने कोई माल खरीदते हैं तो उसमें अपनी तरफ से कुछ वैल्यू एडिशन कर देते हैं, यानी कुछ मूल्य वृद्धि कर देते हैं। उस मूल्य वृद्धि पर हमने जो टैक्स देना है उसी को हम जीएसटी कहते हैं। यानी कि हमने मान लीजिए कि 100 रुपये का सामान खरीदा, उसको ला के दुकान पर रखे और उसको हमने 115 रुपये में बेच दिया, तो आपको टैक्स कितने रुपये देना है? 15 रुपये में देना। इस टैक्स वृद्धि में जब हम कोई माल खरीदते हैं तो उसमें सप्लायर मूल्य के साथ जीएसटी का भी चार्ज कटता है। जब आप माल खरीद के लाए हो तो अभी आपने क्या किया, जीएसटी दे के आए हो, ठीक है। और वह माल हम बेच देते हैं तो हम कस्टमर के माल मूल्य के साथ जीएसटी भी वसूल लेते हैं। और वही माल हम जब बेच देते हैं कुछ रुपया ऐड करके, तो क्या कर लेते हैं, जीएसटी वसूल लेते हैं। आगे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कैसे होता है। तो मान लीजिए ये परचेज, ये आपका सेल्स, एक कस्टमर सप्लायर ये है, एक कस्टमर बी है। सप्लायर ए से हमने 1000 रुपये का कोई माल खरीदा, सप्लायर ए ने उस पर 18% का चार्ज लगाया, जीएसटी लगाया, जो जोड़ के हमारा जो टोटल हुआ 1180 रुपये हो गए। तो हमने 1180 रुपये पे कर दिया जीएसटी सहित, तो हमारा टोटल खरीद 1180 रुपये में पड़ा। लेकिन हमारा जो मेन रेट है वो आपका कितना है, 1000 रुपये का। इसको हमने ला करके कस्टमर बी को बेच दिया 1200 रुपये में, 20 रुपया ज़्यादा ऐड किया प्लस हमने जीएसटी लगाया, तो 216 रुपया हो गया, टोटल आपका 1416 रुपया। तो हमारा जो खरीदी रेट है 1000 रुपया है और जो बेचा गया रेट हमारा 1200 रुपया। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा जीएसटी है उस जो बेचे गए जीएसटी में से खरीदे गए जीएसटी को घटा देंगे, जो बचेगा वह आपको जीएसटी सरकार को पे करना होगा। यहाँ पे एक रूल्स लिखा हुआ है कि जीएसटी पेबल, जीएसटी चार्ज ऑन सेल्स, जो आपने चार्ज किया सेल करते समय जीएसटी, उसको आप घटाएंगे जो आपने पे करके आया है जीएसटी, ठीक है। तो 216 में से 180 घटा देंगे, आपको 36 रुपया सरकार को पे करना, 18 रुपये आपका सी जीएसटी और 18 रुपये आपका एस जीएसटी देना पड़ेगा, ठीक है। 36 36 नहीं, कितना लगेगा, 18 18, इसी का दो भाग हो जाएगा। इसी का दूसरा रूल्स है, ये आपका पर्ची रहेगा तब हो पाएगा। यहाँ पर खरीदे रेट से भी निकाल सकते हैं, यानी कि आप 1200 में बेचे हो, 1000 में खरीदे हो, तो 1200 में से 1000 घटा दोगे बचेगा 200 रुपया, और 200 का 18% निकालोगे तो होगा 36 रुपये। ये 36 में से 9% आपको देना है सी जी एस टी और 9% देना है आपको एस जी एस टी, या फिर आप कह सकते हैं कि 18 18 रुपये आपको देना है।